हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे एकदम भले चंगे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी से पहले उठी हूँ, तो अपना जो भी सुबह का काम होता है वो मैं पहले पानी पीती हूँ गर्म करके, तो वो मैं पी ली हूँ और ब्रश करती हूँ और मुंह धुलती हूँ, उसके बाद पानी पीती हूँ, तो वो मेरा काम हो गया है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू और परी सो रही है। और आज पति देव मुझे मेरे पर मेहरबान हो गए हैं, जो कि मुझे जगाए नहीं है सुबह। और आटा कम था तो फिर वो लेके चले गए हैं आज खिचड़ी बना के, मतलब तहरी बना के लेके गए हैं अपना, तो इसलिए आज मुझे जगाए ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और फ़ोन की हूँ तो अभी तक उठाए भी नहीं है, तो देखिए कब कॉल करते हैं पता भी नहीं है। और उसके बाद मैं अपना झटपट जो भी सुबह का काम है ना, ये काम ख़त्म कर लूँ तो ठीक है, नहीं तो परी फिर पीछे पीछे घूमने लग जाती है और रोने लगती है। जब तक मैं काम करूँगी फिर कहेगी गोदी ले लो गोदी ले लो, और जब मैं काम ख़त्म कर लूँगी तो फिर खुद ही खेलने लगती है। तो उससे अच्छा कि उसके जगने से पहले मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लूँ तो ही ठीक है। तो फिर सारा झाड़ू कमरे में, चौक में, किचन में सब जगह लगा दी हूँ, तो फिर जल्दी जल्दी से लगा लेती हूँ मैं पोछा। और बर्तन धुलना है, जो कि सुबह का बर्तन है वो है, और शाम का एक दो बर्तन रह गया था जो बाद में एक दो थाली जो खाए थे हम वही रह गया था, तो वो भी धुलना है, तो ही बर्तन मैं धुल दूंगी। उससे पहले जो कि कपड़े हो गए हैं, कल ही कपड़े बस नहीं धुली थी तो इतने सारे कपड़े हो गए हैं, तो पहले मैं इन्हें भिगो देती हूँ तो डिटर्जेंट पाउडर में ये भीगेगा तब तक 15-20 मिनट। इतने मैं अपना जो भी है बर्तन धुल लूँगी, इतने ये भीग लेंगे तो फिर किचन भी साफ कर दूँगी और कपड़े भी धुल दूँगी, फिर उसके बाद नहाऊँगी। और अभी ना मैं कपड़े हाथ से ही धुल देती हूँ जितने थोड़े बहुत रहते हैं, तो जब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कपड़ा तभी मशीन लगाती हूँ, और नहीं तो किसी किसी दिन नहीं मन करते हैं मतलब कपड़े धुलने के लिए तभी। और उसके बाद सारा काम मतलब कपड़े भी धुल के डाल दी हूँ मैं, किचन भी साफ कर दी हूँ, बर्तन भी साफ कर दी हूँ, और हमारी परी रानी भी जग गई हैं तो वो बैठी हुई हैं बेड पे, तो मैं अभी नहा ली थी और बाल अभी सुखा रही हूँ। अभी ना हवा चल रही है तो इसके वजह से ठंड लग रही है, नहीं तो धूप तो अच्छे खासे निकलने लगी है, नहीं तो ठंड नहीं लगती अगर हवा नहीं चलती तो। बस और गीले अभी बाल हैं, अभी सूखे नहीं हैं, और खाना बनाना है मुझे और खाना बनाऊंगी मैं, झटपट खाना बनाना है, भूख लगी है मुझे आज। तो बाल तो झाड़ने जा रही थी मैं लेकिन झाड़ी नहीं हूँ, बस ऐसे ही करके छोड़ दी हूँ, क्योंकि देखी हूँ एक दो बाल निकलने लगे हैं, क्योंकि अभी गीला बाल है ना, गीले बालों में झाड़ो तो फिर बाल निकलने लगते हैं, तो इसीलिए। और बस थोड़ा बहुत ऐसे ही करके और छोड़ दी हूँ, बस कंघा नहीं की हूँ और क्लेशर लगा ली हूँ। और उसके पहले मैं चल रही हूँ खाना बनाने से पहले, जो कि हमारा ये मशीन ला के रखा हुआ है, 2 दिन हो गए पति देव से रखवा दी थी और हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया था, तो बोल रहे हैं कि खिचड़ी मतलब तहरी बनाना था, तो इसीलिए मैं जगाया नहीं हूँ, तो मुझे लगा कि गुस्सा हो गए होंगे लेकिन गुस्सा नहीं थे। और बोल रहे थे कि मशीन में उनका भी थोड़ा सा काम है, कपड़ा करना है तो वो सही मुझे करना है, तो वो याद दिला दिए हैं, तो कह रहे हैं कि जब तक मैं मतलब नहीं निकलवाए थे इस कमरे में नहीं रखवाए थे मशीन, तब तक मैं रोज़ रोज़ बोल रही थी उनसे, और जब से 2 दिन हो गया कमरे में रखे हुए मशीन तो मैं इसका कुछ कर ही नहीं रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ तेल, और उसके बाद ये थोड़ा सा अपना चला के ऐसे ही छोड़ दूँगी, और जो है खाना वाना बना लूँगी तो फिर कपड़े इस पर सी लूँगी बैठ के, तो इससे अच्छा पहले साफ़ कर दी हूँ और तेल डाल दी हूँ। तेल डालना तो बहुत ज़रूरी है, मेरा तो वैसे भी रखा रहता है मशीन, तो जिसका डेली चलता है तो भी डालना मतलब तेल बहुत ज़रूरी होता है सिलाई मशीन में अगर, और मेरा तो बहुत दिनों से रखा रहता है, जल्दी चलता नहीं है, तो मेरा तो और भी ज़रूरी हो जाता है पहले तेल डालना। तो तेल डाल के और अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, ये दूसरे कमरे में रहता है ना तो इसीलिए। तो जी अभी सभी काम ख़त्म हो गए हैं, जो भी सभी काम होते हैं वो ख़त्म हो गए हैं, और बिस्तर अभी ठीक करना है वो अभी मैं करूँगी, ये काम सबसे लास्ट में करती हूँ क्योंकि परी यहाँ पे बैठी रहती है अपना, तो इस वजह से मैं इसे सबसे लास्ट में ही काम करती हूँ इसका। तो अभी बनाना है खाना और चलती हूँ अभी बनाऊँगी। और बाल झाड़ने जा रही थी तो सूखा नहीं है अभी गीला है, तो बाल निकलते हैं ना गीले रहते हैं तो इसीलिए। और अभी चल रही हूँ पहले खाना बनाती हूँ।
और बर्तन धुल के रखी थी तो पानी इसका निकल गया है। तो फिर पहले मैं बर्तनों को जो है जाल में लगा देती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। देखती हूँ आज क्या है, ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है, हल्का फुल्का कुछ बनाऊँगी तो देखती हूँ। और उससे पहले जो है बर्तनों को सारा मैं लगा दे रही हूँ बर्तनों के जाल में। ये ना सिंक के ऊपर रहते हैं बर्तनों के जाल ना, तो धो के भी तुरंत भी लगा दीजिए तो भी पानी टपक जाते हैं उसी में। तो मेरा इतना छोटा सा किचन है तो किनारे लगा हुआ है, तो इसीलिए पहले मैं बर्तनों वाले टोकरी में जो है धुल के रखती हूँ, जब पानी निकल जाता है तभी बर्तनों के जाल में लगाती हूँ। तो आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मेरा, रोज़ रोज़ दोपहर में दाल चावल खाते खाते ना इच्छा नहीं कर रहा है आज खाने के लिए। आज मेरा मन था कि सूखी सब्जी जैसे अपने घर बनाती हूँ मैं, गाँव में बनता है हमारे यहाँ, उस तरह से एकदम सूखी सी सब्जी बनाऊँ और रोटी बनाऊँ, यही आज खाने का मन है और कुछ नहीं है। तो वही दो आलू ली हूँ, बस दो तीन आलू छोटे छोटे ली हूँ, जो कि अकेले ही खाना है। परी तो अभी दूध है और चावल दे दूँगी उसे, थोड़ा सा चावल बना दी थी मैं सुबह उसके लिए, तो थोड़ा सा है तो उसे मैं दे दूँगी। और रोटी भी खा लेती है कभी कभार मेरे साथ। तो अभी सब्जी जो है छौंक दी हूँ मैं, एक प्याज और दो तीन आलू था छोटे छोटे, तो वही सूखी सी सब्जी बना रही हूँ मैं। और आटा उससे पहले मैं मींड लूँगी रोटी बनाने के लिए, और एक तरफ मेरा सब्जी हो जाएगा। आटा नहीं है, आटा ख़त्म हो चुका है, गेहूँ बनाना है। धुलूंगी नहीं, धुलूंगी थोड़ा सा और घर जाऊंगी ना, तो हस्बैंड जी के लिए भी साफ करके धुल के अच्छे से रख के जाऊंगी। उधर धूप नहीं निकल रही थी और इधर ख़त्म हो गई है आटा, तो फिर गेहूं जो कि धुलूंगी दो तीन दिन लग जाएंगे सूखने में, आटा बिल्कुल नहीं है। और मेरा तो कोई बात नहीं, मैं तो चावल से खा भी लेती हूँ, मतलब चावल दो दिन तीन दिन मैं लगातार खा लूँ तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हस्बैंड जी के लिए तो रोटी चाहिए बस। उन्हें एक टाइम भी अगर चावल मिल जाए तो दूसरे टाइम रोटी चाहिए तो चाहिए ही बस, मतलब वो रोटी ही खाते हैं, चावल उन्हें नहीं उतना पसंद है। तो इसीलिए गेहूं बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पाँच मतलब ज़्यादा नहीं, 6-7 किलो बस बना दूंगी ऐसे ही, घर का गेहूं है जो कि मतलब राशन वसन का नहीं है, नहीं तो फिर ज़्यादा ही गंदा रहते तो मजबूरी रहता धुलना, लेकिन घर का है तो साफ़ रहता है, घर का उतना नहीं मतलब गंदे रहते हैं गेहूं, तो बिना धुले भी पिसा दो तो भी चल जाता है। तो इसीलिए जो है वैसे ही मैं बना दूंगी। और टंकी में है ना, तो टंकी में निकलवाऊंगी हस्बैंड जी से, तो फिर उसके बाद ही बना पाऊंगी, क्योंकि नीचे चला गया है टंकी में गेहूं, तो फिर मैं नहीं पाऊंगी, ऊपर से निकाल नहीं पाऊंगी। तो हस्बैंड जी शाम को आएंगे ना, तो उन्हीं से निकलवा के और कल ही पिसवा दूंगी, कल रहेंगे घर हो सकता है, या मतलब शाम को रख ही आएंगे तो फिर वहाँ तो तुरंत तुरंत पीस देते हैं सब। तो ये थोड़ा सा मैं रोटी बना रही हूँ, थोड़ा ही आटा था, तो 4-5 रोटी बनाऊँगी छोटे छोटे, उसमें तो 2-3 रोटी खाती हूँ, मेरा तो उतना ही में काम चल जाता है। तो जी अभी मैं खाना खा ली हूँ और बहुत तेज भूख लग गई थी, दोपहर हो गया है ना, तो इसीलिए, और सुबह कोई ज़्यादा नाश्ता भी नहीं की थी तो इसीलिए भूख लगा था बहुत तेज़। तो अभी अभी तो खाना तो मैं खा ली हूँ, और क्या बेटा कोई बात नहीं, भी बदल दूंगी। और परी कह रही है अपना कपड़े बदलने के लिए, पैंट निकालने के लिए बोल रही है, तो अब चल रही हूँ इसका कपड़े बदल दूँ मैं, नहलाऊंगी नहीं इसे, कल नहलाई थी, धूप निकलने लगी है अच्छी खासी, तो चाहो तो रोज़ ही नहा दो बच्चों को भी, लेकिन हवा के वजह से ना ठंड लग रही है। और उसके बाद परी को भी नीचे उतारी हूँ, उसका भी कपड़े बदल दी हूँ, तो खेल रही है। और आजकल वो वीडियो में नहीं आ रही है, मैं मतलब अपना काम करती रहती हूँ तो इधर उधर रहती है, वीडियो में नहीं आती है। और बोलती हैं कई सारी फ्रेंड मेरी कि आप परी को लाया करिए वीडियो में, लाया करिए। मैं कहाँ तक ज़बरदस्ती उसे लाऊँ, वो खुद ही मतलब इधर उधर खेलने में लग जाती है अपने बहनों के साथ, जो उसकी बड़ी मम्मी की दो लड़की हैं ना, उसकी बहनें, तो उनके साथ वो खेलने में लग जाती है, या तो बेड पे बैठी रहेगी मैं कोई काम करूँगी, तो इसलिए ना वो वीडियो में नहीं उतना आ पाती है, तो मैं कहाँ कहाँ से खोज के उसे लाऊं। और आजकल तो बदमाशी भी करने लगी है, मैं उसे बोलवाती हूँ, पहले बोल देती थी हेलो बोलती थी, और लास्ट में मतलब बाय बुलवाती थी तो भी बोलती थी, लेकिन आजकल ना बुलवाओ तो फिर वो चिढ़ाने लगती है, तो इसीलिए मैं वो वीडियो में उतना नहीं आती है। मेरा बेड भी अभी हो गया है साफ, तो अभी दोपहर तक का जो भी मेरा काम था वो ख़त्म हो गया है। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था,
जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए और पसंद आता है तो शेयर भी कर दीजिए। भगवान करे आप लोगों का दिन शुभ हो। आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।